वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, यू आर वॉचिंग इन्फो अरुण व्लॉग्स। सो गाइस, आज का जो व्लॉग होने वाला है, जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, स्कोडा ऑक्टाविया 2021 न्यूली लॉन्च हुई गाड़ी, अभी दो दिन पहले ही लॉन्च हुई है। और आज इसका डिटेल एक वॉक अराउंड विद फीचर्स हम आपको बताने वाले हैं, जिसके लिए आज हम पहुंचे हैं स्कोडा आर्या स्कोडा, जो कि आपका मोती नगर में है। बहुत जल्दी आपको मिलवाएंगे मिस्टर रोहित से, जिनसे हम मोस्टली जो है रिव्यूज़ के लिए मुलाकात करते रहते हैं, तो बताएंगे आपको गाड़ी की सारी डिटेल एंड फीचर्स। उसके लिए पहले आप देखिए गाड़ी के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स, एंड देन आपको बताएंगे गाड़ी के फीचर्स एंड स्पेक्स के बारे में। मेरे साथ हैं रोहित, जो आर्या स्कोडा से हैं। सो वेलकम रोहित। वेलकम ऑल। एंड कोविड की सिचुएशन के बाद बहुत टाइम बाद आज हमें फाइनली मौका मिला है दोबारा से शूट करने के लिए। एंड सारी जो हैं हम कोविड की सिचुएशंस को देखते हुए पूरा यहाँ पर सैनिटाइज वगैरह सब रखा है, तो मास्क नहीं लगाया, वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए। सो रोहित, क्या कहना चाहोगे भाई 2021 के बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि वेलकम बैक। काफ़ी चीज़ें डाउन रही, बट ओवरऑल हम फिर दोबारा रिवाइव कर लेते हैं, क्योंकि वी आर इंडियंस। तो गाइस, आज इस गाड़ी का पूरा एक डिटेल वॉक अराउंड हम आपको देने वाले हैं, जिसमें रोहित हमारी मदद करेंगे एंड पूरी गाड़ी की आपको फीचर्स अलोंग विद प्राइस वेरिएंट सब कुछ बताने वाले हैं। सो रोहित, स्टार्ट करें वीडियो को। जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 2019 में कंपनी ने वाइंड अप कर दी, 2020 में गाड़ी को आना था, बट ड्यू टू पैंडेमिक और करंट उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए कंपनी ने 21 में लॉन्च किया और आ चुकी है ऑल न्यू ऑक्टाविया, जिसका बहुत ही लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे, विद ऑल न्यू फीचर्स एंड ऑल न्यू लुक्स। जैसे बी ग्रिल आप देख सकते हैं, ऑल न्यू बी ग्रिल है, जैसे कि हमेशा रही है, स्कोडा का लोगो रहेगा। देन एडॉप्टिव हेडलैम्प्स हैं, ये एडॉप्टिव हेडलैम्प्स हैं विद क्रिस्टल लाइनिंग अफेक्ट, जो कि क्रिस्टल का काम होता है स्कोडा जहाँ से बिलोंग करता है, चेक रिपब्लिक, तो क्रिस्टल लाइनिंग्स हमेशा रहती हैं गाड़ी के अंदर। देन फॉग लैम्प, क्रोम ग्रिल, हम जो कवर कर रहे हैं आपको बता दें ऑक्टाविया LMK। अरे गाइस, इस वाले मॉडल में आपको जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, जो आपको ऑल्टो पहले वाले वेरिएंट में भी मिलते हैं। हाँ, सेंसर्स ऑल ओवर हैं, 360 सेंसर्स रहेंगे हमेशा गाड़ी के अंदर, क्योंकि टॉप मॉडल है ये। बिल्कुल। एंड सो गाइस, इस तरह की आपको कुछ फ्रंट लुक मिलेगी, अमेजिंग क्रोम टच बहुत ज़बरदस्त मिलेगा इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रंट ग्रिल में, नीचे आपको एयर डैम्स में भी मिलेगा, फॉग लैम्प्स में भी आपको जो है क्रोम का टच मिलेगा। सो डेफिनेटली एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको जो है इस गाड़ी में मिलने वाला है। और साइड प्रोफाइल आपको एक बार दिखाते हैं गाड़ी की, साइड प्रोफाइल दिखाएंगे। ऑल न्यू अलॉयज हैं, एकदम चेंज किया है इसको पल्सर ब्लैक अलॉयज बोलते हैं हम लोग, इसका नेम है अलॉय का। 17 इंचेस हैं, 205/55। तो यहाँ पर आपको ज़बरदस्त ड्यूल टोन के आपको जो है अलॉयज मिलते हैं, R17। राइट। एंड यहाँ पर मिलती है आपको ज़बरदस्त LMK की बैचिंग। और मैं एक बार रोहित भाई इसकी की और दिखा दीजिए हमारे व्यूवर्स को, जो बड़ी ऑसम जो है इसकी आपको की मिलने वाली है। की चेंज हुई है
काफ़ी अमेजिंग प्रीमियम की आपको जो है देखने को मिलेगी। एंड यहीं पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपके साइड डोर पे भी जो है क्रोम का बहुत अच्छा टचअप आपको देखने को मिलेगा। सो नो डाउट वो आपको एक बहुत क्लासी लुक देता है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल देख के काफ़ी अमेजिंग साइड लुक आपको मिलने वाली है। टर्न इंडिकेटर मिलेगा यहाँ पर आपको, एंड उसके साथ आपको जो है पैडल लैंप्स भी मिलते हैं। पैडल ये जो आप देख रहे हैं अंदर पैडल लैंप्स, ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। स्कोडा प्रोजेक्शन रहता है नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं स्कोडा का प्रोजेक्शन। गाड़ी का कुछ रेयर सेक्शन है, रेयर सेक्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट भी काफी चेंज की है। रियर सेक्शन में वो क्रिस्टल लाइनिंग है, लाइट एकदम चेंज है, ऑल न्यू लुक है, बूट स्पेस बढ़ गया है, 600 लीटर है और स्पॉयलर जो है इंडिकेटेड स्पॉयलर है, स्कोडा की बैजिंग है, देन ऑक्टाविया राइट। तो काफ़ी कुछ चेंज किया गया है गाड़ी के रेयर सेक्शन पे भी। ऑल दो लाइट्स जो है, जो टेल लैम्प्स है, जो कोर आपके एलईडी टेल लैम्प्स मिलते हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी जो है विजिबिलिटी रहती है। गाड़ी की जो लाइट्स की शेप भी देखेंगे तो काफ़ी जो है अग्रेसिव शेप आपको मिलेगी। एंड मोर ओवर सबसे बढ़िया पार्ट मिलेगा आपको गाड़ी का बूट स्पेस। तो भाई रोहित एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि गाड़ी को इसके अंदर आपको जो है अगेन वही आपको जो है वर्चुअल बूट ओपनर आता है की पॉकेट में है मेरे। तो गाइस यहाँ पर जो बूट आपको दिखाएंगे हम आपको जो है ये देखिए, ये है ज़बरदस्त चीज़। एंड लुक एट द मैसिव बूट स्पेस गाइस, बूट मैसिव स्पेस मिलता है आपको। तो गाइस अपने क्लास में सबसे ज़बरदस्त बूट स्पेस यानी 600 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है जो कि पुराने वाले के कंपैरेटिव भी ज़्यादा कर दिया है। लास्ट टाइम 5x5 था राइट। तो देखिए गाइस एंड साइड में देखिए आपको एनफ स्पेस, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर कम से कम 2 से 3 लोग आराम से जो है बैठ सकते हैं, इतना स्पेस है इसमें। देन इसमें शॉपिंग हुक्स हैं जो कि हमेशा ख्याल रखती है कंपनी, शॉपिंग हुक्स हैं, 6 शॉपिंग हुक्स हैं, ये शॉपिंग हुक्स मिलेंगे आपको ऑल ओवर। बिल्कुल ये भी तो बड़ा अमेजिंग सा एक जो है रियर सेक्शन मिलता है स्कोडा ऑक्टाविया का। रियर से ही जैसे कि हमारी कार जो है थोड़ा लोग आजकल अगर आप देखें तो साइकिलिंग स्पोर्टी चीज़ें रखते हैं तो आपको क्या आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं से ही जो है सीट्स डाउन हो जाएंगी। सो गाइस जो रियर सीट्स आपकी ये 1555 बूट स्पेस हो जाता है राइट। एंड 60-40 की रेशियो में आपकी जो है अगर इसको हटा दें राइट काफ़ी हो जाएगा। और ये रोल अप सन वाइजर के साथ है, रोल अप। बिल्कुल सो गाइस अमेजिंग बूट स्पेस बनता है अगर आप जो है रियर सीट को फोल्ड कर देते हैं, क्रॉस टू 1500 का बूट स्पेस बनता है। रियर सीट्स आपकी जो है 60-40 की रेशो में रहती हैं। सो अमेजिंग बूट स्पेस गाइस। एंड रियर में भी आपको जो है रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। देन आपको यहां से मैं एक बार आपको जो है ये ऑफ करके दिखा देता हूं, तो ये आपका जो है बूट इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ हो जाता है। सेंटर में आपको मिलता है एक रियर कैमरा ज़बरदस्त, एंड नीचे की तरफ आपको मिलते हैं रिफ्लेक्टर। आपको लाइट्स ऑन करके बिल्कुल एक बार जो है हम गाड़ी में अंदर जाने से पहले जो है गाड़ी के एक बार जो है लाइट्स भी देख लेते हैं कि फ्रंट इसकी किस तरह की आपकी जो है एलईडी हेडलैम्प्स मिलती हैं। काफ़ी विजिबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त विजिबिलिटी है। बिल्कुल एक न्यू शेप के साथ आपको जो है स्कोडा ऑक्टाविया की जो ये एलईडी हेडलैम्प्स मिलती हैं। सो गाइस देखिए आप इस तरह की आपको जो है एलईडी हेडलैम्प्स अमेजिंग आपकी यानी डीआरएल और इंडिकेटर ड्यूअल फंक्शन के साथ आपको जो है इसकी ये वाली लाइट मिलती है। एंड लुक एट द विजिबिलिटी गाइस, अमेजिंग विजिबिलिटी। फॉग लैम्प्स भी यहाँ पर आपको जो है कोर एलईडी मिलते हैं, तो एक पूरा एलईडी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। विजिबिलिटी वाइज देख सकते हैं एंड लुक वाइज देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग लुक के साथ आपको जो है स्कोडा ऑक्टाविया की फ्रंट लुक मिलती है। सो गाइज ये था कुछ फ्रंट लुक या जिसको कह सकते हैं एक्सटीरियर एक डिस्कशन किया हमने, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह की आपको जो है ऑक्टाविया की एक्सटीरियर लुक मिलने वाली है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड देखते हैं गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो अब रिप्रेजेंट करते हैं इंजन जो कि 1.8 से 2.0 हो चुका है। 2021 से 19 में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है पावर में भी। 190 पावर मिलेगी आपको और 320 टॉर्क मिलेगा। और ओल्ड वन कार में एक वो रहता था, इसमें क्या है सस्पेंशन है ओपनिंग के लिए, ओपन होने के बाद, तो इसमें कोई अलग से आपको अटैच नहीं करना। और ये लुक एट द बूट्स पे, आई मीन लुक एट द स्पेस वाइज पूरा एकदम से ऑक्यूपाइड, पूरा फुली लोडेड मिलता है आपको फ्रंट सेक्शन।
2 लीटर इंजन मिलता है, क्रॉस टू 190 का BHP एंड 320 NM ऑफ टॉर्क, 50 लीटर जो है इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक मिलता है एंड लुक एट द पूरा आपको हाइड्रोलिक मिलता है ये, तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम अभी कर देते हैं ऊपर। तो ये थी गाड़ी की एक्सटीरियर लुक। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड बात करते हैं रोहित से, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है गाड़ी के अंदर है। चलिए गाइस, सो गाइस हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो इस तरह का कुछ आपको जो है स्कोडा ऑक्टाविया का इंटीरियर इन टर्म्स ऑफ कॉकपिट सब कुछ मिलने वाला है। तो रोहित, राइट हैंड साइड से अगर स्टार्ट करें तो क्या कुछ? से साइड करें तो चारों पावर विंडोज के ऑपरेशन आ जाता है। साइड मिरर जो है हीटेड है, साइड में हीटेड है, आप इधर लेके जाएंगे तो साइड में हीटेड हो जाएंगे। जॉयस्टिक की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें जो है ब्लैक के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाथ हमारे यहाँ ज़्यादा रहते हैं तो इस वजह से ये वो ना हो। और ड्यूल टोन इंटीरियर है, तो ये जो है लेदर है, स्वेट लेदर, तो ये सब आपको लेदर में मिलेगा, यहाँ पे स्वेट लेदर मिलेगा फ्रंट में। देन इसमें जो ये स्टाइलिंग ब्लैक पियानो फिनिश जो स्टाइलिंग मिल जाती है वेव में, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। देन आपको एसी बटन्स नहीं दिखेंगे कार के अंदर, अदर देन सिंगल बटन। म्यूज सिस्टम से ये ऑपरेट होता है पूरा, क्लाइमेट्रॉनिक एसी। सो बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर ही आपको जो है सारे एसी न्यू चीज आई है जो कि स्कोडा ने फर्स्टली इंट्रोड्यूस की है ऑक्टाविया के अंदर, वो है इसका गियरबॉक्स। गियरबॉक्स जो है ड्राइव बाय वायर आ गया, जो बड़ा लीवर आता था जैसे सुपर्ब में और अभी भी आता है, वो इसमें नहीं मिलेगा आपको। इसमें क्या सॉफ्ट टच है, प्लस ये ड्राइव बाय वायर है, तो वायर से ड्राइव होने की वजह से इसमें VATR कम रहता है। उसमें मैकेनिज्म होता है तो उसमें एक टाइम पे VATR रहता है, तो इसका क्या है आफ्टर सेल सर्विस इजी रहेगी और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है ड्राइव बाय वायर होने की वजह से। ये अभी ऑक्टाविया में इंट्रोड्यूस किया है और ये काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी स्मार्ट है। एग्जैक्टली और ये चीज़ आपको गाइस कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको जो है हर जो है यही बता रहे होंगे कि इसमें जो है आपको इस तरह की कुछ जो है DSG गियर नॉब मिलने वाली है थोड़ी सी एडवांस, बट उसका यूज़ एग्जैक्टली क्या है वो आपको कोई नहीं बता पाएगा। देन वायरलेस चार्जिंग, जैसे कि इंट्रोड्यूस हुआ है ऑक्टाविया में न्यू, तो वायरलेस चार्जिंग रहेगी। एग्जैक्टली ये वायरलेस चार्जिंग, ये आपकी वायरलेस चार्जिंग हो जाती है। इसके साथ आपको मिलते हैं दो टाइप सी चार्ज, राइट। तो अगर स्टेयरिंग की बात करें तो ऑल टाइम ये स्टेयरिंग काफ़ी अभी जो है स्कोडा की तरफ से ट्रेंडिंग में है, क्योंकि टू स्पोक्स जो है हमें आई थिंक सुपर्ब में भी देखने को मिला था। तो सुपर्ब में मिला था सेम, इसमें अभी इंट्रोड्यूस किया कंपनी ने टू स्पोक स्टेयरिंग। तो इसमें क्या है, टच पैनल्स बटन चेंज हो गए हैं, लुक्स बहुत एनहेंस हो गया है और बहुत ब्यूटीफुल हो गया है। और इसी में आपको इसमें लेआउट्स जैसे उसके अंदर चेंज होते हैं, इसमें भी टू लेआउट्स चेंज होते हैं, राइट। ठीक है, और काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी प्रीमियम जो बटन्स वाली फीलिंग जो भी है, काफ़ी प्रीमियम फीलिंग मिलती है आपको। एंड दिस इज़ हाउ कम्प्लीटली डिजिटल जो है आपका जो है कॉकपिट दिखता है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्मार्ट। दो तरह के इसमें थीम्स हैं और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग रहती है, और एम्बिएंट लाइटिंग में इस बार किया है कंपनी ने, एम्बिएंट लाइटिंग में चेंज तो रहता ही था। हम म्यूजिक सिस्टम के अंदर देखेंगे कि कैसे हम मूड लाइट चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मूड, एंड क्या स्पेसिफिकली चेंज है अदर देन सुपर्ब, इसमें क्या न्यू है लाइटिंग में, जो इंटीरियर लाइटिंग जो है मेन लाइटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। देन इसमें क्या है, हम कलर चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने ग्रीन किया है, रेड किया है, अब ये रेड हो गई लाइट रेड हो गई, ठीक है। बट इसमें आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, रेड एंड ये, तो हम क्या है नीचे जो फुटवेल लैंप्स जो हैं हमारे वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जब हम मैं इधर आऊँगा, मैं इधर अभी तो पूरा कंप्लीट रेड है, मैं इधर आऊँगा तो नीचे येलो हो जाएगा ऊपर रेड हो जाएगा, हम इसको नीचे चेंज कर सकते हैं कलर टू से। एग्जैक्टली तो कुछ ड्यूल टोन एक तरह से आपकी जो है लाइटिंग आएगी जो कि पहले कभी नहीं थी, और ये अकॉर्डिंग टू यू मूड स्कोडा, तो ग्रीन आ जाएगा विंटर समर, ये आप लाइटिंग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू मूड। एग्जैक्टली हाँ, तो काफ़ी काफ़ी अच्छी जो है चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। एंड यहाँ पर फंक्शन यहाँ पे देखिएगा आपको स्क्रीन पे, राइट, तो आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे यहाँ पर लगा है, मतलब ये लाइट्स आप देखेंगे ना जो आपके रीडिंग लैंप्स जिनको हम बोलते हैं, मतलब आप इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। मतलब ये अगर आप देखेंगे ये सेंसिंग काम कर रही है, राइट, टच वन टच। और इसके अलावा अगर आप इसको विदाउट टच भी करता है, आजकल कोरोना है ना तो विदाउट टच भी करेगा। और इसके अलावा एक चीज़ सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि आप इस पर सिर्फ टच करके रखेंगे ना तो वो अपने आप डिम भी होगा, ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफ हो जाएगा, एंड अगर इसको करेंगे धीरे धीरे वो ब्राइट होता जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है, यानी आप इसको टू वे में यूज़ कर सकते हैं। देन रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो डिम मिरर, एग्जैक्टली क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स,
बहुत कुछ गाइस, सारी एक अमेजिंग फीचर्स जो है इसके अंदर मिलती हैं। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको, एंड सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे जो कि आपका आर्मरेस्ट एरिया आता है। आर्मरेस्ट एरिया को देखेंगे ना तो आप यहाँ पर इसको जो है ये ओपन भी हो जाता है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, एंड इसके अलावा ये एडजस्ट भी हो जाता है, यानी इसको आप फ्रंट एंड बैकवर्ड की तरफ जो है मूव कर सकते हैं। देन बॉटल होल्डर, अगर बॉटल आप इसमें रख देते हैं, ग्लास रख देते हैं, तो ये क्लिप कर लेता है, आप बॉटल ओपन कर सकते हैं गाड़ी चलाते हुए, राइट, ठीक है, और पानी पी सकते हैं, फिर वापस रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। एंड अमेजिंग गाइस, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो आप लेदर देख रहे हैं ना, मतलब इतनी प्रीमियम क्वालिटी है, यहाँ पर आपको जो है सॉफ्ट मिलेगा, सॉफ्ट प्लास्टिक, ठीक है, यहाँ पर आपको अमेजिंग लेदर की क्वालिटी। तो ये जो है दिस इज समथिंग न्यू जो मैंने अभी ऑक्टाविया में देखा है, ये पहले नहीं था, बट ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा प्रीमियम बना दिया गया है इसको। यहाँ पर आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो है सिस्टम आता है विद 10 स्पीकर्स और 11th सबवूफर जो कि स्टेपनी के ऊपर, मैं वो भी आपको स्पेशली आज दिखाऊंगा, राइट, जो सबवूफर कहाँ लगा। तो आपको ऑलमोस्ट 10 स्पीकर और एक सबवूफर मिल जाता है, तो समझ सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी के सराउंड सिस्टम, एग्जैक्टली। तो एक बार मैं बाहर निकल के आपको 610 वाट है, और देन एक स्पेशल चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि की रखने के लिए स्पेस हम ढूंढते रहते हैं, जो प्रॉपर स्पेस है की रखने के लिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कैरॉक में भी आया था, एग्जैक्टली। तो मैं आपको एक बार फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ, इस तरह का आपको जो है कुछ स्कोडा ऑक्टाविया का फ्रंट सीट का एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी अमेजिंग स्पेस मिलता है। सीट्स की क्वालिटी देखिए, दोनों साइड में आपको जो है ऑलमोस्ट 12 वे एडजस्टेबल मिलती है, जिसके अंदर इवन को पैसेंजर साइड में भी आपको जो है, सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, को पैसेंजर में भी आपको जो है 3 वे एडजस्टेबल मेमोरी सीट्स आपको जो है मिलती है। आइसोफिक्स जो कि आपकी जो है यूजुअली जो है आइसोफिक्स है, जो कि आपका जो है यूजुअली रेयर सीट होता था, लेकिन फ्रंट सीट को भी जो है आइसोफिक्स सीट यानी चाइल्ड की जो सीट है उनको यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, और रेयर में तो होता ही होता है। अब चलते हैं गाइस गाड़ी के रेयर सेक्शन पे, हम देखते हैं वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस। दो तीन फीचर्स हैं जो कि हम एक्साइटमेंट में नहीं बता पाए। तो USB स्लॉट दिया हुआ है कंपनी ने, जो कि इधर आपको दिखेगा। डैश कैम लगाने के लिए, तो डैश कैम लगाने के लिए पहले कोई प्रोविज़न नहीं था, अब डैश कैम प्रोविज़न आ गया ऑक्टाविया में, स्पेशल थिंग। और इस जैसे कि इसमें हैंड्स फ्री पार्किंग है, ठीक है, और TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आपको मिलेगी। लॉन्च कंट्रोल, क्योंकि हमेशा लॉन्च कंट्रोल आता नहीं आता, एक दिन कम करके भी दिखेंगे लॉन्च कंट्रोल होता कैसे है। सो गाइस, एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ही गाड़ी को अनलॉक किया जाता है तो यहाँ पर एक लाइट, बड़ा अच्छा सा एक इफेक्ट आता है जो हम आपको दिखाते हैं। सो ये देखिए गाइस, इसे कहते हैं आपका एनिमेटेड वेव इफेक्ट, यानी कि जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टर्न इंडिकेटर का जो है वेव जाती हुई दिखेगी, एंड आपकी जो है ब्रेक जो टेल लैंप है उसका भी आपको वेव इफेक्ट आते हुए दिखता है, जो बहुत अमेजिंग लगता है गाइस। सो गाइस, अगर रियर सेक्शन की बात करें तो इस तरह का आपको कुछ रियर सीट का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जिसके अंदर एक अमेजिंग थाई सपोर्ट मिलेगा आपको स्कोडा ऑक्टाविया की रियर सीट पे, जो कि सुपर कंफर्ट आपको देने वाली है, अमेजिंग लेदर क्वालिटी मिलने वाली है इसके अंदर आपको। एक बार मैं अंदर आ जाता हूँ गाड़ी के, देन थोड़ा सा शोर कम हो जाएगा। सो यस, रोहित ने पीछे भी टच पैनल्स हैं, जैसे कि आगे टच पैनल से पीछे भी टच पैनल से इसको डिम और वो कर सकते हैं, एग्जैक्टली, और विदाउट टच भी ऑन कर सकते हैं। रोहित ने मीनवाइल देखिए, रोहित ने अपना यहाँ पर फोन एडजस्ट कर दिया। तो रोहित, क्या है ये, मतलब तो मोबाइल, अगर हम यहाँ पे क्या होता है कि मोबाइल हैंडी होना चाहिए, बार बार पॉकेट से निकालेंगे फिर पॉकेट में रखेंगे, अगर हम तीन लोग बैठे हैं, दो लोग में भी, तो ये क्या है, कंपनी ने स्पेशली इसको रखा है कि हम यहाँ पे अपना फोन रख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपको मोबाइल के लिए अलग से स्पेस मिलता है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको जो है अलग से सामान रखने के लिए आपको अलग से स्पेस मिलेगा, बट दिस इज ओनली स्पेसिफिक फॉर द टू टाइप्स ही चार्जिंग पॉट्स हैं। चार्जिंग पॉट्स आपने लगाया यहाँ पे, इसको फोन को रखा और यहाँ पे आपने वायर लगा दिया, exactly. तो क्या आपको रखने के लिए स्पेशली स्पेस या हाथ में नहीं, और ये दोनों साइड है, ये सिर्फ एक साइड नहीं है, यहाँ पर भी आपको मिलता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं रियर एसी वेंट्स, एंड आर्मरेस्ट दिखा देते हैं, कितना अमेजिंग इसका आर्मरेस्ट मिलता है आपको, जो कि सुपर आर्मरेस्ट है, और हमेशा की तरह ये टैब होल्डर यहाँ पे हम देते हैं, राइट, सो ये हमेशा से है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से आप जो है अपने बूट एक्सेस कर सकते हैं, फॉर ये हमेशा से ही रहा है। तो अमेजिंग गाइस, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि रियर सीट पर जो है सिर्फ, और गाइस मान के चलिए रियर सीट आपके सिर्फ दो लोगों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है अमेजिंग सेफ्टी हम्प, तो प्लीज़ थर्ड जो है वो कोई बच्चा ही बैठ सकता है, अदरवाइज लास्ट कार में रियर रोल अप सन वाइजर नहीं होता था, राइट, विंडो के,
ये आपको सनवाइजर मिल जाता है रोल अप, एंड अगेन जो आपकी ड्राइवर एंड को पैसेंजर दोनों साइड दोनों आपकी जो है सीट बेल्ट एडजस्टेबल मिलती है यहाँ पर आपको। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड लुक एट द सीट्स की अगर मैं साइज की और एक बार मैं जो इसकी बात करूँ, काफी काफी अच्छी, मतलब एक जो कहते हैं ना पूरी जो लग्जरी फीलिंग वाली जो है सीट जो है वो दिखती है आपको। और इस बार जैसे कि हर कंपनी करती है, मोबाइल कंपनी हो गई, कार कंपनी हो गई, बाइक कंपनी हो गई, तो विद ट्रेंड चलना होता है और काफ़ी चीज़ें क्या है एक टाइम पे आपकी काफ़ी पॉपुलर होती हैं और एक टाइम पे जाकर के उन चीज़ों का यूज़ खत्म हो जाता है। जैसे कि एप्पल में हमेशा एक राउंड बटन आता था, बट एट द एंड कुछ टाइम कई सालों बाद कंपनी को हटाना पड़ा। तो इसी तरीके से इसमें जो ट्रेंड जा रहा है, लोग ट्रेंड हट रहे हैं सेडान कार्स में, सनरूफ की जरूरत नहीं है तो सनरूफ कंपनी ने हटाई है वर्ल्ड वाइड। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि इंडिया के लिए हटा दिया, वर्ल्ड वाइड हट गया ये। ओके, ये न्यू ट्रेंड है, सनरूफ की कोई नीड लोगों को महसूस नहीं होती अदर देन एसयूवी, क्योंकि एसयूवी में आप खड़े हो सकते हैं, इसमें आप खड़े नहीं हो सकते, सेडान कार है तो कोई नीड नहीं है, तो कंपनी ने हटा दिया। राइट, तो उसको उस चीज को हटा के बाकी चीजों में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा एडिशनल फीचर्स जो है वो स्कोडा ने इस ऑक्टाविया में डाली है, जिसके अंदर आप बहुत अंदर बैठ के जो है आपको एक्चुअली फील होगा कि फीचर्स क्या अमेजिंग फीचर्स आपको। धीरे धीरे हम यूज टू हो जाएंगे, जब ये राउंड बटन था एप्पल का जो बीच में राउंड बटन होता था, तो मुझे लगता था कि ये राउंड बटन इनकी स्पेशलिटी है और ये कभी नहीं हटेगा। तो इसी तरीके से लोगों को लगता है कि प्रीमियम कार है और ऑक्टेविया में सनरूफ तो आनी ही चाहिए थी, मगर आप धीरे धीरे ये चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी कि सनरूफ की नीड नहीं है, इंडिया में नहीं है, मेंटेनेंस बढ़ता है, उसकी रबर कट जाती है, पानी 4-5 साल बाद अंदर पानी आ जाता है बिकॉज ऑफ उसकी रबर अगर कट जाती है तो काफ़ी मेंटेनेंस आ जाती है, नॉकिंग की इश्यूज आ जाते हैं कभी भी सनरूफ में, तो उन चीज़ों को देखते हुए और उसका कोई यूज़ ना होते हुए और तो उसको हटा दिया। इस तरह का आपको जो है स्कोडा ऑक्टाविया का रियर सीट का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बिल्ड क्वालिटी देखिए, एंड दरवाज़ों की अगर मैं आपको नॉक हल्की सी भी सुनाऊँ, बहुत हल्का सा टच होता है एंड गाड़ी बिल्कुल आपकी जो है रेडी रहती है। सो ये गाइस, ये था स्कोडा ऑक्टाविया का एक वॉक अराउंड जिसमें हमने बात की एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर्स की। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी की प्राइस की एंड कलर ऑप्शन। सो गाइस, ये थी गाड़ी की कुछ अमेजिंग फीचर्स जहाँ पर हमने आपको गाड़ी की पूरा एक डिटेल वॉक अराउंड करके बताया। अब बात आती है पैसों की, जो कि हमारा प्राइसिंग जैसे फीचर्स और BS6 इंजन आने के बाद प्राइसिंग काफ़ी हायर हो सकती थी और फीचर्स भी काफ़ी एनहेंस करें कंपनी ने और न्यू थिंग्स भी लेके आई है ऑक्टाविया के अंदर, तो इसलिए प्राइस समहाउ बढ़ने ही थे। तो ऑन रोड अगर आप देखें LN के मॉडल, वो कॉस्ट करता है आपको 33,58,000 के अराउंड, एंड स्टाइल वेरिएंट की बात करें तो वो आई थिंक 30,16,000 के अराउंड पड़ता है। एंड यूजुअली गाइस कलर ऑप्शन की अगर मैं बताऊं तो ये पर्टिकुलर LN के अंदर आपको मिलते हैं 5 कलर, इस कलर को मिला के आपको, इसके अलावा आपको ब्लैक कलर मिलता है, देन वाइट, सिल्वर एंड ब्राउन कलर। कंपैरेटिव आपको स्टाइल में 3 कलर मिलते हैं, एक यही कलर मिलेगा आपको ब्लू, एंड इसके अलावा वाइट एंड ब्लैक। सो 3 कलर ऑप्शन आपको स्टाइल में भी मिलते हैं। सो गाइस, अमेजिंग फीचर्स के साथ जो है स्कोडा ऑक्टाविया ने अपनी जो है 2021 में बनी हुई इस अमेजिंग गाड़ी को फाइनली मार्केट में उतार दिया है। एंड आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी रहती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, रोहित आनंद मेरा नाम है और मेरा नंबर है 9650063424। सो गाइस, इस नंबर पे आप जो है रोहित को कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग तो मैं कभी बताता ही नहीं हूँ क्योंकि रोहित इज़ ऑलवेज रेडी टू अटेंड द कॉल 24/7, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी क्वेरी के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए आप रोहित को रीच आउट कर सकते हैं, जो नंबर इन्होंने शेयर किया। आर्या स्कोडा मोती नगर में इस टाइम हम खड़े हैं, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए भी। आपको अभी ऑल्दो टेस्ट ड्राइव की गाड़ी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एज पर कस्टमर यहाँ पर क्वेरीज के लिए आ रहे हैं, आप पीछे भी देख रहे होंगे, तो उनको जो है टेस्ट ड्राइव के लिए जो डेमो कार है जो यहाँ पर आपके यानी शोरूम पर जो गाड़ी अवेलेबल है वही गाड़ी आपको जो है टेस्ट ड्राइव के लिए भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस, आज का ये व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड स्कोडा की जो हमारी पिछले व्लॉग पे उन्होंने उस पर भी आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, तो इस पर भी हम जो है उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ज़रूर अपना प्यार देंगे। सो गाइस, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, फिर दोबारा मिलेंगे गाइस रोहित से एक और व्लॉग के साथ। जब तक देखते रहिए इन्फो अरुण व्लॉग्स। थैंक यू गाइस।